मॉर्निंग। तो आज चली मैं वापस चंडीगढ़, और अब मिलते हैं आपसे चंडीगढ़ में ही। अभी तो फिलहाल मेरे को भटकना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये मिल रहा है मुझे ऑटो के लिए चिल्लर। चलो 2000 years later. तो गाइस मैं चंडीगढ़ पहुंच गई थी, और चंडीगढ़ पहुंच के वैसे एज यूजुअल मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। बट आज मैं रूम पे बैठे बैठे बोर हो रही थी। फर्स्ट टाइम ना मैं अकेले जा रही हूँ कहीं। तो मैं कहाँ जा रही हूँ नहीं अभी बोल देती, क्या पता वहाँ पे मैं व्लॉग ही ना बनाऊँ शर्म के मारे। तो मैं जा रही हूँ मूवी देखने, वो भी पहली बार अकेले। तो CP67 काजल के ऑफिस के पास ही है, तो वहाँ पे अभी 1:45 का शो है। तो मैंने सोचा चलो दिन भर यहाँ सोने से अच्छा है मूवी देख के ही आ जाती। सोलन गई, सोलन मैंने देखी, यहाँ पे काजल ने पहले देख ली थी। मितू और हमारी टाइमिंग मैच नहीं होती, तो मैंने आज डिसाइड करा है मैं खुद अकेले जाऊँगी देखने। तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, मैंने टिकट करवा दी है, ऑनलाइन टिकट हो चुकी है। तो तैयार होकर आती हूँ मैं फटाफट, ठीक है फिर मिलते हैं। हो गई मैं तैयार, अजीब ही लग रही हूँ लाइटों की वजह से। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मूवी मिस हो, मैं आधे से देखूँ फिर मज़ा क्या करूँगी। एक तो पहले ही अकेले जा रही हूँ और फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं चलती हूँ। मैंने अपनी राइड कर दी है बुक। चलो चली मैं ऐसी खड़ी धूप में। पहुँच चुकी हूँ मैं, और इतनी लेट कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, ना मैं दौड़ पा रही है ऐसे, ना जो चप्पलें पहनी है ये पहनी है मैंने चप्पलें, इसमें चलना भी टफ हो रहा है मेरे को। लो तो पहुंच गई मैं अकेले मूवी, अभी तक हुई नहीं स्टार्ट। चलो भाई साहब गलत आ गई, अकेले देखने ऊपर से मैं डरती हूँ। भरी आवाज से दिल को लुभाती थी वो, तो पूजा के दिनों में आती थी, और किसी ने पीछे मुड़ के देख लिया तो निर्वस्त्र करके अरे करके उठा ले जाती थी, जाती थी भैया पूजा के दिनों में। हो चुका है अब, लाइट्स कितनी कम है। तो फिलहाल मैं तो वैसे कुछ खाने नहीं वाली क्योंकि मैं घर से खा के आई थी, बस बैठे रहो। और भाई अकेले आके गलती कर दी मैंने पहले ट्रेलर देखा नहीं, ऐसे सुना ही था, और हॉरर भी है मतलब खप्पी भी है, लेकिन इतना डरती हूँ ना मैं बीच में, तो मेरे को आँखें ही बंद करनी पड़ रही है। इंटरवल खत्म हो गया, अब आ चुकी हूँ मैं। क्या जरूरत थी इतने महंगे शैम्पू देने की, ग्रेकी कैसी दिखती होगी गंजी चिट्टी। अबे रोना बंद करो रोंदड़ू। जी तो आ गए सच में। रिसत भी मेरे जाग भी बाहों को दीजिए। तो जी स्त्री चले गई अपने घर वापस, और मूवी होती है अब खत्म। फाइनली मैं मूवी देख के आ चुकी हूँ, और बीच में क्या हुआ ना, मतलब जब ख़त्म होगी उसके बाद ना लोग बाहर उठ के आ गए, उनको लगा कि ख़त्म होगी, लेकिन उसके बाद भी और है एक सॉन्ग और जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चला है कि कोई इतना खूबसूरत करके। तो चलो अब जल्दी से काजल भी अब फ्री हो जाएगी, फिर मिलते हैं उनसे, फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। एग्जिट एग्जिट एग्जिट, पता नहीं कहाँ से जा रही हूँ। अकेले भी कोई बुरा नहीं होता, मजे से अपनी मूवी देखो एंजॉय करो। अब कोशिश करूँगी मैं कि अगर कोई ना भी हो तब भी मैं खुद जाऊँ अपना, ना तो मेरे को ऐसे होता है कि कहीं अकेले जाना मेरे को ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता, बट ठीक है धीरे धीरे सीख जाऊँगी सब कुछ। बट फिलहाल तो मैं अकेले अभी कहाँ जा रही हूँ, गलत तो नहीं आई होगी मैं, यहाँ तो कोई दिख ही ना मेरे को, बट उन्होंने था तो रुको मैं पहले यहाँ से बाहर निकलती हूँ। निकल गई मैं बाहर, तो हम
आ चुके हैं यहाँ पे, ये जो इनके ऑफिस के बाहर है। हाँ तो मैं, वो तो सबको पता है कि मैं अकेले आई थी मूवी देखने, तो काजल को उठा के मैं लेके आ चुकी हूँ। मैंने लेके आई है, मेरे को लेके आया है घूमने, कुछ मतलब ऐसे ही कुछ सामान भी नहीं, बट ऐसे ही हम आ गए। बाकी अब क्या करते हैं वो तो हमारे को भी नहीं पता, बट अभी तो फिलहाल हम घूम रहे हैं। चलो तो हम अंदर से बाहर आ चुके हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स और आ रहे थे। हाय, कैसे है? हाय, बस बढ़िया। तो हमारे पार्टनर्स और आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से और शिफ्ट हो रहे हैं, अब जा रहे हैं हम अलांटे। अभी थे हम CP67। हाँ, अभी हम यहाँ के मॉल थे, अब हमें वहाँ जाना है अलांटे। हाँ, तो चलो। हमें तो ऐसा बताया गया कि हम नहीं जा रहे। क्या कह रहे, हम नहीं जा रहे? पता नहीं, वो आगे पता चलेगा, अभी हमारे को भी नहीं पता क्या कर रहे हैं हम। तो चलो फिलहाल अभी देखते हैं क्या करते हैं, फिर बताते हैं आपको। अंदर आए सिर्फ और सिर्फ यहाँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि इतने में घूमना था ना, इधर से एंट्री और इधर दूसरी साइड से एग्जिट है, तो अब हम अलांटे ही जा रहे हैं। तो चलो अब मिलते हैं हम वहाँ पे जाके, करना हमने कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घूमते रहना है फिर भी, और क्या ही कर लेना। चलो गाइस, काजल ना इतने पागल है ना, कैब के पीछे पीछे चला हुआ, साथ में ये गाड़ी देखो क्या कैंट गाड़ी है, फिर भी रास्ते में रोक लिया, पागल है ये। पीछे से सिटी मारने लगे। ईशा बाहर तो देखिए, कर दिया था काम तमाम। चलो अब चले हम यहाँ से अलांटे। तो हम काजल चौहान जी की गाड़ी में बैठ चुके अपनी गाड़ी गाने लगाने लगे हुए बेचारे। समझते रहेंगे, देख रहे नहीं क्वालिटी का कुछ नहीं है, हमें कान में सुनाई देना चाहिए। जब आगे वो कान सुनाई देता है, उन्हें गला दो नहीं, इनको आना चाहिए ना, हमारा थोड़ी भी फेवरेट है तो इनका ना। गाने पंजाबी में हो गए, काजल सारे काजल गला दोने, गला दोने। देख रहे हो गैप में भी फुल एंजॉय चला है। विचो हाथ तेरा हाथ समोते खलोज वे, ओ तेरा मेरा प्यार विख चन जा, मेरे को आता नहीं चुटी। भैया आप इरिटेट तो नहीं हो रहे हमारे से ना? तो मेरी ऑडियंस बोलेगी तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, आप बता दो एक बार, नहीं हो रहे हो ना? हाँ नहीं हो रही है, भी एंजॉय कर रहे है ना, ये मूड की बात होती है, हम हर टाइम ऐसे नहीं होते। आज ही तो मिला है ये टाइम, सारे साथ होते हैं तो मूड अच्छा ही होता है। हाँ वही ना, अगर दो जने हो अकेले हो तब नहीं खा लेती हूँ। आज का व्लॉग अच्छा बन गया हमारा, मस्ती हमारे डीजे जी अब क्या बने, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो कहाँ आए हम, ओए अलांटे तो इधर कहीं आए नहीं, ये हमारा अलांटे। चलो ओ ओ ओ दूसरी साइड को उतरा दिया काजल जी ने हमारे को, है गाने तो सुना, आपके पसंदीदा गाने चल पड़े। क्या कहा, लो जी पहुंच गए हम फिलहाल। तो हम पहुंच चुके हैं, ये तो है इंतजाम, मेरे को ऊपर व्यू अच्छा लग रहा था, ऊपर का लुको अब देखो कितना प्यारा प्यारा है। सुनाओ, पहले हम दो थे, पहले मैं अकेली थी, फिर हम दो हुए, अब हम चार हो गए, एक से दो हुई
दो से डायरेक्ट चार्ज। अभी गाइस हम इलांटे हैं, इसके बाद हमें पता हम कहाँ जा रहे हैं। इलांटे क्या बोलते। और इतना ज्यादा क्राउड था नहीं, जैसे रौनक होती थी यहाँ पे एकदम ज्यादा। हाँ वो भी है, डे भी वो डायनासोर होते थे। हाँ यहाँ पे काफी कुछ होता था। हाँ बहुत खेलते हैं, खेलते 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 जब मान जाओगी। मैं हमें कोई बड़ा जानता है ना यहाँ पे, मेरे को ये चीज ठीक रहती है, तभी तो मैं अच्छे से व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि कौन सा ही कोई हमारे को जानता है ना। अपने मजे मारो और चुपचाप से घर जाओ। नहीं मैं अपने लिए चली हुई थी। ये हमारी बात है, चलो स्टॉप ठीक है। तो कहीं सब ये लड़कियां यहाँ पे बोर होते हुए परेशान हो अपने साथियों की बात सुन रहे थे, परेशान हो गए हम। अरे मैं से एक शादी वाली लड़की है जिसकी 2 महीने में शादी होने वाली है, तो देखो ये लहंगा देखने पहुंचे है। होगी शॉपिंग 2 महीने बाद ये हमारे बीच मांग बिंदी से। वैसे हमारे बीच तो होगे नहीं, ये तो फिर दिल्ली वाले लोग हो गए। बच्चे शादी कर रहे लेकिन हम बुड्ढे हो रहे हैं ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते। काले आ रहे हो गाइस, मत नो कट। काजल की एनर्जी सिर्फ गाड़ी में थी, हम अभी भी मेरी एनर्जी अभी भी ठीक है, मैं आप लोगों से फटाफट चल दिया। चलने के लिए तो हम थक चुके हैं जी। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है, तो चलो फिर अब हम चले घर। ये हम बताएंगे नहीं क्या शॉपिंग करने आए थे, ये लड़कियों की पर्सनल शॉपिंग है। चलो घर की ओर। अब गाइस हम पहुंच चुके हैं रूम, बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। उस कमरे में तो आज का दिन वैसे बहुत अच्छा रहा हमारा, मैंने सोचा नहीं था कि इतना एंजॉय करेंगे, बट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कैब वाला पार्ट सबसे बेस्ट रहा, मज़ेदार। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।